हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं उज्जवल सक्सेना और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपकमिंग 2019 रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट के बारे में, जो 8 जुलाई को लॉन्च होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह है रेनॉल्ट डस्टर का न्यू कलर, जो काफ़ी अपीलिंग लग रहा है। रेनॉल्ट डस्टर फेसलिफ्ट में आपको काफ़ी कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिलेंगे, मगर हाँ, मैकेनिकली इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सेम पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी जो आउटगोइंग मॉडल में आपको मिलते थे। रेनॉल्ट डस्टर राइवल करती है फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300, ह्यूंडई क्रेटा और निसान किक्स को। तो देखते हैं कि जो डस्टर का फेसलिफ्ट आने वाला है वो कैसा परफॉर्म करता है मार्केट में। और कहा यह भी जा रहा है कि जो डस्टर फेसलिफ्ट आएगा उसमें प्राइसिंग में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको एक डिटेल रिव्यू वीडियो बना दूंगा जब ये लॉन्च हो जाएगी उसके बाद। तो ये आप देख सकते हैं अपकमिंग 2019 डस्टर फेसलिफ्ट की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले ग्रिल डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रीडिज़ाइंड बोल्ड क्रोम फिनिशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल लुक। नेक्स्ट हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो हेडलैम्प असेंबली को भी चेंज किया गया है। इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ LED DRLs यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं आपको अब डस्टर फेसलिफ्ट में। तो ये आप देख सकते हैं हेडलैम्प्स। नेक्स्ट फॉग लैम्प्स के बारे में बात करें तो सर्कुलर शेप के आपको फॉग लैम्प्स मिलते हैं, मगर हाँ, यहाँ पे भी फॉग लैम्प की हाउसिंग जो है वहाँ पर इसको रीडिज़ाइन किया गया है। क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे आपको। फ्रंट बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है, तो आप देख सकते हैं फ्रंट बम्पर का लुक डुअल टोन फिनिशिंग के साथ आता है। तो ये तो बात हुई 2019 डस्टर फेसलिफ्ट के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। और हाँ, बोनट डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। और अब जो डस्टर फेसलिफ्ट आने वाला है उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किए थे वो सभी इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। तो ऐसा आपको साइड प्रोफाइल में कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मगर हाँ, जो आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं उनको रीडिज़ाइन किया गया है। डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलते हैं आपको 16 इंचेस अलॉय व्हील्स। और आप व्हील प्रोफाइल भी देख सकते हैं, 215/65 R16 व्हील प्रोफाइल है। नेक्स्ट आप साइड प्रोफाइल में देख सकते हैं आपको डुअल टोन साइड स्कर्टिंग मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं मॉडल की बैजिंग, तो ये RX Z मॉडल है जो टॉप एंड वेरिएंट होता है। और ये आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिशिंग के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी डस्टर की बैजिंग के साथ। ब्लैक्ड आउट बी पिलर मिलेगा और डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल लुक। सेफ्टी के बारे में बात करें तो 2019 डस्टर फेसलिफ्ट में अब आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रेयर पार्किंग असिस्टेंस के लिए सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। और ये आप देख सकते हैं रेयर प्रोफाइल। ऊपर आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाएंगी हाई माउंटेड। रेयर विंडशील्ड में वाइपर वॉशर और डिफॉगर भी मिलता है। और बूट गेट पे काफ़ी कॉस्मेटिक चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं टेल लैंप्स असेंबली, जिसके साइड में मैट फिनिशिंग में मिल जाती है आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट्स। और लाइसेंस प्लेट के ऊपर जो डस्टर की बैजिंग पहले क्रोम इंसर्ट्स के साथ आती थी, अब उसको ब्लैक ट्रीटमेंट दे दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रेयर बम्पर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैमरा और रेयर बम्पर डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस के लिए आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि मैंडेटरी हैं, बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं आपको अब ये रेयर पार्किंग सेंसर्स। और ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स। तो ये तो बात हुई रेयर प्रोफाइल के बारे में। और बूट गेट को ओपन करने के लिए आई गेस चाबी की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाता हूँ। तो चलिए अब ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में, और देखते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ड्राइवर साइड डोर कुछ इस तरह का दिखेगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको फैब्रिक ट्रिम इंसर्ट्स मिल जाएंगे डोर आर्मरेस्ट के साइड में, जिसमें कंट्रास्ट में एक्वा कलर में आपको स्टिचिंग मिल जाएगी। क्रोम फिनिशिंग में मिल जाएगा आपको डोर ओपनर और नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे ओ आर वी एम्स के, पावर विंडोज़ के, और डोर पॉकेट्स भी मिल जाते हैं आपको ड्राइवर साइड डोर पे। तो ये तो बात हुई ड्राइवर साइड डोर के बारे में, और कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, और ये आप देख सकते हैं सीट अपहोल्स्ट्री काफ़ी माइन्यूट डिटेलिंग की गई है। चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो जैसे ही आप इंटीरियर्स में अंदर जाएंगे, सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा ये नया स्टीयरिंग व्हील डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। चलिए अब मैं आपको की दिखाता हूँ। तो ये है रेनॉल्ट डस्टर की, जिसमें आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं कार को लॉक एंड अनलॉक करने के। तो जैसे ही आप की को इंसर्ट करेंगे, कुछ इस तरह का लुक आएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर और राइट साइड में एमआईडी। स्टीयरिंग माउंटेड भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल। और ये आप देख सकते हैं को ड्राइवर साइड डैशबोर्ड व्यू, यहाँ पर भी आपको इंसर्ट्स मिल जाएंगे। तो प्रेजेंटली तो ब्लू कलर के इंसर्ट्स हैं, हो सकता है आपको बॉडी कलर इंसर्ट्स मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं SRS एयरबैग को ड्राइवर साइड। ऊपर आपको एक कूल्ड यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर आप अपनी बेवरेजेस या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ठंडी रख सकते हैं। और ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लाइटिंग मिल जाएगी, ठीक ठाक स्पेस मिलती है आपको ग्लव बॉक्स में। और नीचे आपको मिल जाता है 7 इंचेस का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करता है USB, AUX, रेडियो, AM/FM, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी सपोर्टेड है इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम में। और अगर आप सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सेटिंग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम, ये सभी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको। तो ये तो बात हुई इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। नीचे आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं को ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा आपको। और नीचे है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के नीचे एक छोटी सी यूटिलिटी स्पेस, 12 वोल्ट का एक एक्सेसरी सॉकेट, साइड में इको बटन, डुअल कप होल्डर्स, और ये आप देख सकते हैं 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर लीवर। यहाँ पर भी डुअल टोन फिनिशिंग दी गई है। और जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाएंगे, आपको कैमरा का डिस्प्ले शो होने लगेगा इन्फोटेनमेंट स्क्रीन पे। तो चलिए रिवर्स गियर को हटा देते हैं। तो ये तो बात हुई फ्रंट कैबिन के बारे में। चलिए अब फ्रंट कैबिन से निकलते हैं और एक बार मैं आपको रियर पैसेंजर साइड कैबिन दिखा देता हूँ। तो एक बार फ्रंट डैशबोर्ड का लुक ले लीजिए। पैसेंजर साइड डोर के बारे में बात करें तो इस तरह का लुक आएगा। यहाँ पर भी आपको फैब्रिक ट्रिम इंसर्ट्स मिल जाएंगे डोर आर्मरेस्ट के साइड में। क्रोम फिनिशिंग में मिल जाता है आपको डोर ओपनर, आर्मरेस्ट पे पावर विंडो के कंट्रोल। आर्मरेस्ट पे भी आपको फैब्रिक ट्रिम इंसर्ट्स दिए जा सकते थे, जो काफ़ी कंफर्टेबल रहते, मगर यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगी। रेयर पैसेंजर कैबिन के बारे में बात करें तो दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं रेयर पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए। आर्मरेस्ट भी मिलेगा आपको डुअल कप होल्डर्स के साथ, ये आप देख सकते हैं। फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है आपको तीसरा मिडल में, और कुछ इस तरह का लुक आएगा फ्रंट डैशबोर्ड का रेयर पैसेंजर साइड कैबिन से। रेयर पैसेंजर्स के लिए ऊपर आपको दो लैंप्स मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, दो कैबिन लैंप्स हैं। ड्राइवर के लिए आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर दें।
और हाँ, ये सिर्फ एक फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो थी, इसलिए इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाया। जैसे ही कार लॉन्च हो जाएगी 8 जुलाई को, तो मैं आपको प्राइसेस के साथ ही डिटेल रिव्यू वीडियो बना दूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।